साथियों नमस्कार, मैं हूं कालू माली। आप जुड़े हो मेरे इस चैनल से। अभी आपको मैं ये तस्वीरें दिखा रहा हूं साथियों, ये तस्वीरें है ग्रिल पावर प्लांट थुमली की तस्वीरें दिखा रहा हूं। ये प्लांट है सो शाम को सामने आपको दो आप देख रहे हो इस प्लांट को। ये करीब पिछले 5-6 वर्षों से ये प्लांट बंद पड़ा है। 2003-04 में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसका शिलान्यास किया था। 2005-06 में राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने इसका उद्घाटन किया और 2015 में ये प्लांट बंद हो गया। इसकी चिमनियाँ देखो बंद है, बंद हो गया था। इस प्लांट शुरू होने से पहले अधिकारियों ने इस गांव के युवाओं को एक बड़ा सपना बताया था, दिखाया था नौकरी का, मगर 2015 में बंद होने के बाद बताया जा रहा है करीबन 1000 युवा बेरोजगार हो गए हैं इस प्लांट बंद होने के बाद। तो गांव के लोगों से भी बात की है, यहां के सरपंच से भी बात की है, इस गांव के युवा है जो बेरोजगार हुए हैं उनसे भी बात की है। तो मैं आपको कुछ तस्वीरें चलते चलते दिखा रहा हूं, तो एक बार शेयर कर लो साथियों इस पोस्ट को। इस प्लांट को लेकर करीबन 1000 लोग, यहाँ के लोग बेरोजगार हो गए हैं। ये ग्राम पंचायत आखली है, पंचायत समिति शिव बाड़मेर जिले का थुमली गांव है जो बाड़मेर से करीबन 45-46 किलोमीटर दूर है। ये आप तस्वीरें देख रहे हो, इसका मुख्य गेट ये है जो आपको मैं अभी दिखाने जा रहा हूँ। ये सामने दिख रहा है जो ये मुख्य गेट है जहाँ पर ताला धड़ा हुआ है। ये ग्रिल लिमिटेड लिग्नाइट लिमिटेड, ये मुख्य गेट है जो बंद पड़ा है। तो यहाँ के ग्रामीणों से और सरपंच और युवाओं से बात करते हैं, तो जुड़े रहिए चैनल से, मिलती रहेगी आपको पल पल की अपडेट। दीजिए इजाज़त, जय हिंद जय भारत। चलो।